हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मसाला मिल्क की रेसिपी। ये दूध जो बनता है ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसको मैंने गुड़ डाल करके बनाया है। आप चाहें तो वाइट शुगर, जो रिफाइंड शुगर होती है, उसको भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन गुड़ डाल करके ही इसको बनाइएगा, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये दूध आप किसी भी सीजन में पी सकते हैं, लेकिन विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमने लिया है आधा कप बादाम, 1/4 कप काजू, 6 से 7 है छोटी इलायची, हरी इलायची, 4 से 5 लौंग है, थोड़ा सा जायफल है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 1/4 कप पिस्ता लिया है। 2 चम्मच हमने गुड़ के लिए हैं। गुड़ को हमने घिस लिया था, जो कि क्वांटिटी में हो गया है 2 बड़े चम्मच, और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी जाएगा। 1/2 लीटर दूध लिया है। दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितने लोग हों उस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है और इसमें थोड़ा सा केसर एसेंस मैंने बाद में डाला है। और ये देखिए, ये हमने इसको पाउडर की तरह से बना लिया है। मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पिसा है, थोड़ा दरदरा पिसा है। आप चाहें तो बिल्कुल पाउडर की तरह से भी इसको पिस सकते हैं। ये सारी चीज़ें पिस करके आप पाउडर बना करके इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये कई दिनों तक चलता है और जब भी आपका मन हो मसाले वाला दूध पीने का तो आप इसको दूध को बॉईल करके 2 चम्मच डाल करके इसको बना सकते हैं। दूध हमने लिया था, इसको चढ़ा दिया था, 1 बॉईल आ गया है। इसके बाद हम 5 से 6 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। दूध को हमको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का सा पकाना है। तो 1 बॉईल जब आ जाए इसके बाद 5 से 6 मिनट तक और पकाइएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1/4 चम्मच डाला है। इसके बाद इसको फिर से हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब हल्दी अच्छी तरह से पक जाएगी, इसमें 5 मिनट में हल्दी अच्छी पक जाएगी, इसके बाद जो पाउडर हमने बनाया था वो हम डाल देंगे। पाउडर की भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, जैसा आपको थिकनेस उसकी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने ये जितनी भी क्वांटिटी बताई है ये मैंने पूरी 1/2 लीटर दूध में डाल दी थी। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये पाउडर आप बना करके कई दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको एक एयरटाइट डिब्बे में बना करके रख दीजिए। कोस लिए या बारीक कैसा पिसना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको दरबरा पिसा था क्योंकि मुझे इसका क्रंचीनेस, जो ड्राई फ्रूट्स का आता है टेस्ट में, वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको दरदरा पिसा था। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह से भी पिस सकते हैं। इसको डालने के बाद फिर 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है। जब सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से, जब तक कंबाइन ना हो जाए तब तक हमको इसको पकाना है। बस ध्यान रखिएगा कि दूध को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो उसमें फैटनेस बढ़ जाएगी और फिर ये उतना हेल्दी नहीं रह जाएगा। तो दूध को बहुत ज़्यादा हमको नहीं पकाना है, बहुत हल्का ही, बस अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाए, बस इतना ही हमको पकाना है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे, और इसको साइड से आप हटाते रहिएगा, नहीं तो वो मलाई जम जाती है। देखिए हमारा दूध बन करके काफ़ी कुछ बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम जब गैस ऑफ करने वाले होंगे उसके 2 या 3 मिनट पहले ही हम इसमें अब गुड़ डाल देंगे। गुड़ डाल करके भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो दूध को फटने का डर रहेगा। बस हम इसमें अब गुड़ डालेंगे और गुड़ डाल करके जब तक गुड़ हमारा अच्छी तरह से इसमें घुल नहीं जाएगा तब तक हमको इसको, और वो क्योंकि हम घिस चुके हैं गुड़, और आप भी घिस लीजिएगा गुड़ को, जिससे कि वो पकने में आसान हो जाएगा। ऐसे हम डालेंगे तो वो शायद घुलने में टाइम लगाए और दूध फटने का डर रहता है गुड़ डालने के बाद। हमने इसको डाल दिया है, थोड़ा सा और चलाया है और बस हमारा दूध बन करके तैयार होने वाला है। अब इसके बाद बस हम 1 बॉईल लाएंगे। इसमें दूध हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इस
कि गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद मैंने इसमें केसर एसेंस डाला है, क्योंकि अगर एसेंस हम जब बॉईल कर रहे हों तब डालेंगे तो उसकी महक सारी उड़ जाती है, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। अगर आप केसर के धागे डाल रहे हैं तो 10 से 12 केसर के धागे ले लीजिएगा, उसको गुनगुने दूध में भिंगा दीजिएगा और जब आप दूध पका रहे हों तभी आप उसको डाल दीजिएगा, जिससे कि वो अच्छी तरह से दूध में मिल जाए। मैंने एसेंस डाला है इसलिए मैंने जब गैस बंद की तब मैंने डाला। अब इसको अच्छी तरह से हिला लिया है और इसमें सब चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो गई हैं। अब हम इसको गर्म ही गर्म सर्व करेंगे। ये दूध आप गर्म गर्म सर्व करिएगा तो टेस्ट इसका और अच्छा लगेगा और ये और हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, ये दूध बहुत ही हेल्दी होता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये दूध कैसा लगा। बहुत झटपट से तैयार हो जाता है, इसको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं जो इसका पाउडर है, तो ये बनाने में बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप हमें बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।